हेलो दोस्तों, हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। और आज की इसी वीडियो हम लोग रिवाइंड करने वाले हैं एक 28 कॉइल का सीलिंग फैन स्टेटर। इस ये जो स्टेटर आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें हम हमारी 14 कॉइल ही स्टार्टिंग के लिए डलेंगी और 14 कॉइल हमारी रनिंग के लिए डलेंगी। तो इसमें हमारी जो टोटल कॉइल डलेंगी वो 28 कॉइल डलेंगी। और इसकी स्टम्पिंग की जो मोटाई है हमारी, ये जो कोर है स्टेटर की, ये हमारी 10 mm का स्टम्पिंग है इसका। और 14+14 का हमारा स्टेटर है। और इसका जो कंपनी है फैन का, वो उषा कंपनी का हमारा ये स्टेटर है। तो आज की इस वीडियो हम लोग इसका कम्प्लीट रिवाइंडिंग डाटा आप लोगों को बताने वाले हैं कॉपर वायर से, कि किस तरह से आपके पास अगर कोई भी फ़ैन इस तरह का रिवाइंडिंग के लिए आता है तो आप उसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें। तो अब बात करते हैं इसकी रिवाइंडिंग डाटा के लिए। तो रिवाइंडिंग के लिए मैं जो मशीन यूज करने वाला हूं, वो निशा इलेक्ट्रिक का NS549 मॉडल यूज करने वाला हूं, जिस पर कि मैंने मोटर लगाई हुई है। यहां पर आप लोग मोटर भी देख पा रहे हैं, ये जो मोटर आप लोगों को दिख रही है, इस मोटर मैंने हाथ वाली मशीन पर लगाई हुई है। और इसी मशीन से मैं आपको इसका स्टेटर रिवाइंड करके दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको डाटा भी इसका शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टेटर को मशीन पर लगा देते हैं, उसके बाद आपको देखिए स्टेटर को हमने लगा दिया है मशीन पर और इसकी डाई वगैरह सेटअप करके हमने कंप्लीट सेट से कर दिया है। और मीटर पर हमने देखी कितने टर्न अभी सेट किए हैं, 346 टर्न मैंने मीटर में सेट किए हुए हैं। क्योंकि इस पे मैंने जो मोटर लगाई है वो हमारी पावर ब्रेक वाली मोटर नहीं है, लगभग 30 से 35 टर्न मेरा मशीन एक्स्ट्रा लगाता है, इसीलिए मैंने 346 टर्न वहाँ पर सेट किए हुए हैं। और हम मशीन को करते हैं स्टार्ट, फिर आपको दिखाते हैं कि कितने टर्न हमारे एक कॉइल में हमें डालना है और कितने टर्न हमारी मशीन से जा रहे हैं। तो देखिए मशीन को हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए मशीन को कर दिया हमने स्टार्ट और हमारा कॉइल डालना शुरू हो चुका है। देखिए कितनी स्मूथली हमारा कॉइल डल रहा है, और देखिए हमारा कॉइल बहुत आसानी से डल रहा है। और अब हमारा कॉइल, एक कॉइल हमारा कम्प्लीट होगा। अब हम देखिए इसमें आपको टर्न दिखाते हैं कितने टर्न हमारे आ चुके हैं। देखिए एक यहाँ पर हमने 346 सेट किए हुए हैं और यहाँ पर हमारे 380 टर्न एक कॉइल में हमारे आ चुके हैं। तो 380 टर्न से हमारा इसका स्टार्टिंग बनाना है। और इसका जो वायर नंबर जो रहेगा वो हमारा 36 नंबर कॉपर वायर रहेगा। तो 380 टर्न 36 नंबर कॉपर वायर से हमें इसकी कंप्लीट स्टार्टिंग वाइंडिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसे अगले स्लॉट में चेंज करके मशीन को फिर से स्टार्ट करते हैं अगले कॉइल रिवाइंडिंग के लिए। तो इसी तरह से हमें सभी जो कॉइल है हमारी स्टार्टिंग की, वो हमको बना लेनी है। और फिर हम इसका स्टार्टिंग डाटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि स्टार्टिंग के लिए हम क्या डाटा इसमें डालने वाले हैं। चलिए फटाफट सभी स्टार्टिंग की कॉइल हम बना लेते हैं। का बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, सभी कॉइल हमारी इसमें डल चुकी है। अब हमें केवल ढक्कन लगाकर इसमें रनिंग का बाइंडिंग करना है। तो हम रनिंग का डाटा आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर देते हैं, उसका बाइंडिंग हम लोग आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का डाटा हम आप लोगों के साथ एक बार फिर बता देते हैं, 380 टर्न 36 नंबर कॉपर वायर से हमने इसमें डाले हुए हैं। और रनिंग के लिए हम इसमें 400 टर्न डाले हैं 36 नंबर कॉपर वायर से ही। तो इस तरह से हम इसका कम्प्लीट रिवाइंडिंग करने वाले हैं। और 380 और 400 टर्न इसका कम्प्लीट रिवाइंडिंग डाटा हो गया 36 नंबर कॉपर वायर से। और इस पर आपको कैपेसिटर जो यूज करना है 2.25 या 2.50 से ज़्यादा MFD का कैपेसिटर आप इस पर ना लगाएं। तो इसी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।